हेलो व्यूअर्स, इस समय 1:15 हो रहे हैं और आज है 20 दिसंबर। और देखो इस समय मैं पीछे वाली बालकोनी में हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखो बालकोनी में, एक मिनट, पूरे कपड़े भरे पड़े हैं। हाँ ये देखो, पीछे भी कपड़े डाले हुए हैं और आगे की बालकोनी भी भरी पड़ी है। ठीक है, ये पीछे की बालकोनी है, ये मेरा मनी प्लांट का पौधा थोड़ा सूख ऐसे हो यहाँ तक चढ़ गया पूरा। ठीक है, और जो है अब मैं जा रही हूँ, दूसरी वाली बालकोनी दिखाती हूँ आपको। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो व्यूअर्स, ये देखिए जो कल जो है ना, ये कपड़ों का ढेर मैं नहीं संभाल पाई थी। ठीक है, आज संभालूंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि कल किचन में भी काम करना था, फिर वीडियो भी एडिट करनी थी, तो टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। वैसे भी रात को 11-12 बजे के बाद मेरे को काम करने का मन भी नहीं करता, मन करता रजाई में घुस जाओ। ठीक है, तो ठंड भी बहुत है वैसे भी, और ये नहीं कि रात को 11-12 बजे काम पे लगे हो। और कल वीर बाजार का सामान भी संभालना था, कई काम हो जाते छोटे छोटे बहुत सारे किचन में। ठीक है, तो ये ढेर मैं अभी संभालूंगी, पहले खाना वाना खाऊंगी, उसके बाद कमरा थोड़ा इस तरह भी सेट करा है, टेम्परेरी सेट किया है। ये कुर्सी रखती मैंने यहाँ पे, क्योंकि वहाँ दो किचन में कुर्सियाँ ना जगह बहुत घेरती हैं, तो वो वाली व्हाइट कुर्सी भी मैं सोची इधर ही ले आऊँगी। क्या है कि वो ना वहाँ पे बहुत स्पेस घेरती है, मैं फोल्डिंग कुर्सी लेकर आऊँगी, क्योंकि किचन छोटी जगह है, वहाँ पे इतने दो कुर्सियाँ डाल दो, तो ये कुर्सी दूसरी भी ले आऊँगी इधर धीरे धीरे, और वहाँ पे फोल्डिंग कुर्सी खरीदूंगी मैं। ठीक है, और अभी थोड़ी देर में काम स्टार्ट होने वाला है, और अभी मंदिर गुरुद्वारा भी साफ करना है, बहुत सारे काम है। चलो मैं ये देखिए, मैं आ गई दूसरी बालकोनी में, सामने वाली में, कल वीर बाजार लगा था ना, ये देखिए पूरी कपड़े पूरे ग्रिल पे भी डले पड़े हैं। ये देखिए पूरी बालकोनी में कपड़े ही कपड़े, धुले हुए कपड़े, मतलब ऐसे वाले कपड़े नहीं है, ये कल 2 बार वॉशिंग मशीन चलाई हमने। ठीक है, और आज ये अच्छा हुआ थोड़ी सी धूप निकल आई है, नहीं तो ये कपड़े नहीं सूखने वाले। ठीक है ना, 2 बार वॉशिंग मशीन चली कल, और आज नहीं चलेगी, क्योंकि कपड़ों डालने के लिए जगह ही नहीं बची है। ठीक है, नीचे देखिए बाहर का भी दिखाती हूँ, जरा बाहर का दिखा देती हूँ, बाहर का भी अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए आज मौसम अच्छा हो गया, थोड़ा सी धूप निकला, ये अच्छा लग रहा है। ये बाहर का कपड़े डाले हैं ना, बाहर का व्यू भी नहीं देख पा रहे हो आप। ठीक है, सामने मकान बन रहा है ना, ये वाला अभी तक बना ही नहीं, काफ़ी टाइम से बन रहा बेचारा, अभी तक नहीं बना, एक मकान बनाने खान नहीं है, बहुत टाइम लगता है मतलब मकान कम्प्लीट होने में। ये देखिए बाहर का व्यू दिखा रही है, आज धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। इसलिए ये सूरज महाराज, हाँ ये रहे सूरज महाराज, हल्के हल्के दिख रहे हैं, दिख भी नहीं रहे, सारा दिन मौसम ठंडा रहता है। देखिए हरियाली अच्छी लगती है, बस ये देखिए मकान बन रहा है सामने, और ये नीचे का व्यू दिखा रही हूँ, ये बच्चे जा रहे हैं उधर दुकान में। ठीक है, सामने पोस्टर लग गया है सामने, ठीक है कलरफुल। चलो चलते हैं अब किचन की ओर। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए पापा आए थे ना, पापा मेरे को ऑरेंज लेकर गए, वहाँ पे हमारे पंजाब में ना ऑरेंज के 3 पेड़ हैं जो लदे पड़े थे उससे ऑरेंज से। अब पापा बेचारों से सामान नहीं उठाया जाता, तो उन्होंने एक बंदे को हायर किया था, 100 रुपये उसको दिया, आने जाने का किराया दिया, 200 रुपये दे के बेचारे रेलगाड़ी में चढ़े, और ये ऑरेंज मुझे देकर गए वो, और साथ में मैं बताता हूँ, देकर गए थे मुझे नींबू, थोड़े से नींबू तो मैंने बोला उसमें लगा रखे फ्रिज में, 5-6 नींबू, बाकी वाले नींबू हैं। और इसके अलावा वो मुझे देख कर गए थे, एक मिनट, ये देखो मेरा सामान अभी तक कैसे पड़ा है, अभी संभालना है मुझे भी, एक मिनट, ये मुझे देख कर गए थे, मैं बताती हूँ आपको क्या दे गए थे, ये लहसुन दे कर गए थे वाला, ये लहसुन दे कर गए थे, और लहसुन बाज़ार में बहुत महंगा है, 240 से 280 रुपये किलो है, तो लहसुन दे कर गए थे। अभी मैं अपना बाकी का सामान संभाल लेती हूँ, और आज ये पालक पड़ी है ना, आज पालक की सब्ज़ी बनेगी, पालक पनीर, या पालक पनीर तो है नहीं, या पालक भुट्टे के दाने, या पालक मशरूम भी बन सकती है, देखती हूँ क्या बनेगा, कोई एक सब्ज़ी बनेगी आज। ठीक है, हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? टाइम हो रहा है 1:15, और मैं आ गई किचन में। ये देखो मूली के परौंठे बनाऊंगी आज, क्योंकि मूली पड़ी हुई थी मेरी, और मैंने सोचा चलो मूली के परौंठे बनाऊंगी, इसमें देखो धनिया भी डलेगा, लाल वाली बड़ी मिर्च डालूंगी, और ये मूली का करूंगी, आटे में गूंध लूंगी मैं तो। ठीक है, उस दिन मैंने दिखाया भी था आटे में गूंधते हुए। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? अभी तो मैं लगी हूँ, आटा बन गया मेरा, मैं लगी हूँ मूली के परांठे बनाने, परांठे तो नहीं, एक ही साइड घी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, सारा मूली में, इसमें मैंने वही सारा सामान डाल ही लिया है, नमक मिर्च मसाला, अजवाइन, जीरा, थोड़ा सा मेथी, मेथी डाली थोड़ी सी। ठीक है, ये सब डाल के मैंने अब स्टार्ट कर रही हूँ रोटी बनानी, भूख लग रही है, और इनका सफाई अभियान जारी है, और हमारी बीच में थोड़ी थोड़ी नोक झोंक भी जारी है,
क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मेरा पर्सनल सामान जो है जैसे गुरुद्वारे मंदिर का होता है वो भी कह रहे मेरे को नहीं रखना घर में, मतलब थोड़ा रखना है, बहुत थोड़ा सा सिलेक्टेड रखना है, बाकी नहीं रखना, वही गुरुद्वारे मंदिर में जाकर रख के आ जाऊंगा। पर मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि जो सामान मुझे चाहिए होता है ना वो इन्हें नहीं चाहिए होता, तो ये बहुत दिक्कत हो रही है। अब क्या करें, मुझे बहुत गुस्सा भी चढ़ रहा है। अब मैं क्या करूँ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, मैं बना रही हूँ परौंठे, खाने के खाए भी ना तो काम भी नहीं हो पाएगा, खाली पेट तो काम नहीं होता है ना। तो बस अभी मम्मी का फोन आया था 2 मिनट पहले, तो मम्मी कह रही क्या कर रहे हो, मैंने कहा सफाई अभियान चल रहा है, करे ठंड में लगे पड़े हो, मैंने कहा क्या करें, चलो बच्चे आने वाले हैं कर लेते हैं थोड़ा, मतलब जो रूटीन से अलग हटके होता है वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तवा गर्म हो गया, रोटी डाल दी मैंने, ठीक है, और उसके बाद जब सब खाना बना के खा के फिर मैं पीऊँगी चाय, और उसके बाद मुझे करना है वो वाला काम, पहले वो पालक वाला काम करना है, क्योंकि पालक वाला जो काम है ना वो नहीं हुआ तो पालक खराब हो जाएगी, उसको धो के 2-3 बार पानी से, और उसके बाद फिर उसको उबलने के लिए रख लेना, बस बॉयल ही करके रख लेना है, बाकी का काम तो मैं रात को ही करूँगी, उसको जो तड़का लगा के सब्जी बनानी है वो रात को ही बनाऊँगी, क्योंकि बॉयल हो गई ना तो सही रहेगा, मतलब वो ख़राब नहीं होगी, पत्ते वाली चीज़ है ना जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस अब मैं अपना खाना का जल्दी जल्दी रोटी बेल रही हूँ फटाफट करके, फिर करते हैं, फिर वो कपड़े भी छांटने हैं मुझे, बहुत सारा काम है, वो भी लगे पड़े हैं अपने काम में। अब पता नहीं उन्होंने नया गुरुद्वारा सजा तो दिया है पर उसमें से आधा सामान गायब कर दिया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये देखो आवाज़ आ रही है ना, लगे पड़े हैं, अरे मैं नहीं रखने दूंगा, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जो सामान मुझे चाहिए वो उनको नहीं रखना, ज़्यादातर वो सामान उनको ज़्यादा उनको उससे है कि जो मेरे भाई ने दिया वो नहीं रखना उनको, ये बहाना मारे कि टूटा है, ये है, ख़राब है, मतलब बहाने लगा रहे हैं फालतू के, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बस अब खाना बना लूँ पहले, फिर मेरे को पालक का काम करने को कर लूँगी, क्योंकि नहीं तो शाम तक तो वो ख़राब हो जाएगी। रोटी बन गई मेरी, डाल रही हूँ, ये देखो ऊपर रोटी बन गई, ए अभी बना लूँगा, फटाफट बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए पालक का काम अभी भी ख़त्म किया है, गैस बंद हो गई है, 2 सीटियाँ दिलवा दी इसको, और सारा फट्टा साफ कर दिया है मैंने, ये देखो अभी भी साफ करके रखी हूँ, ये देखो पूरा फट्टा साफ कर लिया है, खाने का काम हो गया, और अब मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में, बड़ी मुश्किल से काम ख़त्म हुआ है ये वाला, ये देखो टेबल टूबल साफ कर दिया, सब साफ कर दिया मैंने, और काम ख़त्म हो गया किचन का, और अब मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में। हेलो व्यूअर्स, अभी हो गए 6:30 बज गए, 4 बजे हस्बैंड बाहर चले गए थे, वो गए घूमने फिरने गए हैं, मेरे को कह रहे थे तू भी चल, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, ठीक है, और क्योंकि ठंड भी बहुत है जहाँ वो गए वहाँ मेरे काम की चीज़ भी कोई नहीं है, इसलिए मैं नहीं गई, काम मेरे काम की चीज़ होती है मैं वही जाती, फालतू में घूमने की आदत नहीं मेरे को। अच्छा मैं ये कहती हूँ, देखो मेरे हस्बैंड इस तरह से कमरे को सेट करके गए, ये देखिए ये जो मैंने ऑरेंज दिखाए थे ना उसको कपड़े से ढक गए, कह रहे कि कीटाणु वीटाणु आ जाते हैं, ये देखिए टेबल पे सजा के चले गए ऑरेंज को, अभी मेरे को यहाँ से हटाती हूँ उनको, ये 2 मूड़े रख गए यहाँ पर, एक ये रख गए और एक ये रख गए, मेरे को डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, मंजी पे एक पतला सा कपड़ा बिछा गए, मतलब अपने हिसाब से वो सेट कर गए, ठीक है, अभी पर मेरे को अपने हिसाब से भी सेट करना है, ये मेरा गुरुद्वारा उन्होंने सजाया है, आधा सामान गायब कर दिया बेचारों ने, ठीक है, मुझे आ रहा है गुस्सा, मैं अपने हिसाब से सजाऊंगी, क्योंकि मेरा गुरुद्वारा मेरे हिसाब से ही सजेगा, और बाकी इधर जो था ना इधर मंदिर था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फोटोएं लगा दी अपने फैमिली की, सारी फोटोएं लगाई हैं, ठीक है, एक मिनट में दिखा देती हूँ आपको क्या कैसे सजाया, मैं भी देखती हूँ ज़रा, हाँ तो ये अपने पूरी फैमिली की फोटोएं लगा दी हैं, अच्छी लग रही है फोटोएं, तो वैसे ये मेरी फोटो है, ये देखो सामने जब मैं शादी से पहले की, और ये इनके इनकी है पुरानी फ़ोटो, ये इनके पापा की फ़ोटो है ये वाली, और ये जो है ये इनकी फ़ोटो है, ये जो छोटे बच्चे होंगे जब, ठीक है, ये इनके पापा जब ये 6 महीने के से एक्सपायर हो गए, ये फ़ोटो देखो, ये दिखा है मेरे ख्याल से स्वाति की फ़ोटो, ये छोटी वाली, ठीक है, मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको, और एक ये फ़ोटो हमारी फैमिली की जब हम लोग घूमने गए थे, एक मिनट, हम फैमिली में छोटे छोटे बच्चे होते थे ना जब हम जाया करते थे, जब ये अपना BHEL का वो बैडमिंटन खेलने के लिए जाते थे तब हम भी साथ जाते थे, तभी हम गए थे, मैं पता नहीं मसूरी गए थे कहाँ गए थे, ये देखिए वहाँ की फ़ोटो है, ये भी वही है, वहीं खिंचवाई थी हमने, पहाड़ी इलाके में ही गए थे वहाँ पे, मसूरी गए थे या ऊटी गए थे कहाँ गए थे याद नहीं आ रहा अभी मुझे, ये हमने ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचाई थी वाली, ठीक है, और ये भी बच्चे जब छोटे छोटे थे, ये देखो दोनों बहनें छोटी छोटी, ठीक है, वो बड़ी वाली दिख रही है ना वाइट कपड़ों वाली, वो है कनिका और छोटी वाली है स्वाति, दोनों मैंने क्यूट क्यूट सी, ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से फोटोएं लगाई हैं यहाँ पर, चलो फोटो की तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे मेरा मंदिर था जो इन्होंने गायब कर दिया और यहाँ पे फोटो लगा दी, ठीक है, और यहाँ मैंने आपको कल दिखाया था सारे ग्लास सजा दिए इन्होंने, चलो इसकी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है,
कोई बात नहीं, सजा दिए तो कुछ नहीं होता, अपने हिसाब से सेटिंग कर दी इन्होंने। यहाँ पे सारे कप सजाए हैं, जितने भी कप में बेचारे, इस कप के लिए तो खूब हमारी बहसबाजी हुई है। जो तीन कलरफुल कप दिख रहे हैं ना आपको, ये कह रहे थे मैं फेंक रहा हूँ। मैंने बोला फेंकने से अच्छा तो मुझे दे, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, बचपन में बच्चों के लिए लिए थे, उन्होंने भी बेचारों ने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं। और ये कह रहे हैं मैं फेंक रहा हूँ, तो भाई इतने कप का ये है वो मैं फेंक रहा हूँ। और ये जो गिलास दिख रहे हैं ना, ये कह रहे हैं मैं गत्ते के डब्बे में भर के बाहर रखने जा रहा हूँ। मैं कहा हैं, एक गिलास इतना महंगा आता है तुम बाहर रखने जा रहे हो? ये मतलब मेरे को ना गुस्सा करते करते। अरे ये कप की तो बड़ी अच्छी कहानी है इसमें, पता क्या हुआ, ये कप थे तो मैं कहा मुझे दे दो, उसमें से एक कप में क्रैक आ गया था। तो जो क्रैक आया मैंने तीनों कपों को धो के, एक जिसमें क्रैक आया उसमें मैंने अपने चम्मच रख लिए, और एक कप मैंने चाय पीने के लिए रख लिया, और एक मैंने वैसी बात निकाल लिया कि बच्चे आ रहे हैं वो मेरे को पीते हुए देखेंगे, अच्छे कप में कहेंगे हम भी पियेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि बड़ा तमाशा ही हो गया कि बार बार कप वापस ले जाके यहाँ से जा देते थे, कह रहे मैं नहीं दूंगा। मैं कहा आप तो बाहर फेंकने वाले थे, कह रहे थे कि नहीं वो तो मैं मजाक कर रहा था, है मैं दो बार उठा के लेके गई हूँ किचन में, दोनों बार वापस लाके यहाँ से जा दी है। अब मुझे आ रहा है गुस्सा, चलो कोई बात नहीं है, सारे कप ही हैं, मैंने आपको दिखा दिए ऊपर तक, ये जो है कप वगैरह ही हैं, ठीक है। और ऊपर वो जो है ये है आपकी कटोरियाँ, यहाँ कटोरियाँ ऊपर सारी, ये वाली ये कटोरियाँ सारी एक साथ रख दिए। चलो इसका तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि इन्होंने जिस हिसाब से रखा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर लेने में आसानी रही, कप एक जगह होंगे, गिलास एक जगह होंगे और कटोरियाँ एक जगह होंगी, ये तो ठीक है, ठीक है। अब जो है ना ये गए हुए हैं ना, तो मैं जरा एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ इन्होंने सामान कैसे रखा है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे भगवान जी हैं जो यहाँ ला के रख दिए इन्होंने, ये हर काम ही अपने मर्जी के करते हैं। मैं वही देख रही थी कि क्या फेंका है क्या नहीं। ये ट्रे रखी हुई है थोड़ी सी, ठीक है, ये ट्रे हैं। और ये मैं लाला के, पता इतने सालों से लाला के मैंने सामान जमा किया है, शादी के बाद से थोड़ा थोड़ा प्रगति मैदान से लाला के सामान जमा किया। ये आपका वो है, ये देखिए, ये जो होता है ना जो आप भाप लेते हो, भाप लेने का है इंस्ट्रूमेंट, और ये भी भाप लेने का, और मेरे ख्याल से ये तीसरा वाला भी भाप लेने का है, एक बड़ा एक उसके साथ छोटा, वो साइड में लैंप पड़ा स्टाइलिश, ठीक है। और ये भाप लेने का है सारा, ऊपर थोड़ा सा सामान इन्होंने ऐसे टिका दिया, ये वाला थोड़ा प्लास्टिक का टिका दिया, वो प्लास्टिक की बोतलें और वो थोड़े सी वो प्लास्टिक की डिब्बियाँ, और एक ये प्लास्टिक का डस्टबिन है बिल्कुल न्यू। तो मैंने कहा चलो यहाँ रख दो, जिस जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी काम हो गया, ये भी देख लिया, अब ठीक रखा है, चलो इन्होंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और आगे बढ़ते हैं, ये मेरा गुरुद्वारा में से कई सामान गायब किया, वो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या गायब किया इन्होंने, ठीक है। मैंने कितनी मेहनत से, पता ये देखो गुरुद्वारे का, ये मैंने कितनी मेहनत से खरीदे थे, ये वाले दोनों बहुत शौक से खरीदे थे मैंने। ये मैं वहाँ गई थी ना, क्या कहते हैं, अमृतसर, वहाँ से लेकर आई थी। ये वैसे ही अमृतसर की फ़ोटो है, इनकी पुरानी फ़ोटो है, ये फ़ोटो मेरे भाई ने दी थी, ठीक है। और बाकी जो है ये ऊपर रखी हुई है कि ये देखिए गुरु नानक, ये हम एक बार गए थे पंजाब में, बाबा बुड्ढा जी वाली फ़ोटो है ये, मैंने अपनी वीडियो में भी यूज़ करी थी। तो एक बार हम गए थे पंजाब, तो वहाँ पर मतलब वहाँ से ली थी हमने, गुरुद्वारे गए थे। और एक ये साइड में फ़ोटो है, हर फोटो की ना एक अपनी कहानी है, ये देखिए, कह रहे मैं कोई फोटो नहीं लगाने दूंगा, मुझे गुस्सा आ जाता है, ये मेरी वो है 3D वाली, ये एक ही है ये, हाँ एक ही है, ठीक है। तो ये ना अभी देखती हूँ क्या क्या सामान फेंक, कह रहे हैं मैं फेंक रहा हूँ कर रहे हैं। यहाँ मैंने पूजा का ही सामान रखा है इसमें एक ट्रे में, अभी मेरे को लग रहा है ये साफ़ नहीं है, हाँ इसको साफ़ करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि बहुत काम किया ना, मतलब यहाँ पे धूल मिट्टी का काम हुआ है तो इसलिए बहुत गंदा गंदा सा थोड़ा हो गया, पर ये गुरुद्वारा इन्होंने अच्छे से साफ़ किया सारा, ये तो मेरे सामने कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगला वाला दिखाती हूँ आपको, अब यहाँ क्या रखा है इन्होंने, अच्छा मैं इसी को ढूंढ रही थी, ये ना मेरे को ना गुस्सा दिला देते हैं, ये देखिए, ये मैंने कितने शौक से मेरे भाई ने मेरे को लेके दिया था, मैंने उसे बोला था मेरे को लेके दे, तो उसने मुझे लेके दिया था। ये मैं ढूंढ रही थी कहाँ गया, ये यहाँ से रखा हुआ इन्होंने, ठीक है। तो ये यहाँ रख दिया, मैं रखूँगी जब जलाऊँगी, ठीक है। और उसके बाद ये माता का मंदिर है, यह भी इन्होंने अपने हिसाब से स्टाइलिश देखिए सजाया अपने हिसाब से, ठीक है। एक ये छोर मंदिर है, ये सारा ये देखिए, ठीक है, ये सारा मंदिर है। पता नहीं इसमें सब क्या क्या रखा है, क्या क्या फेंका है, मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है जब मेरा सामान फेंक देते हैं ना, तो मुझे मतलब जो चाहिए होता है वो तो नहीं फेंकना चाहिए ना इनको। अब ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल, ये प्लास्टिक का ही सामान है वाला, ये वाइट वाले जग को, ये जग को हमने धो के रख दिया, अभी यूज़ नहीं करना, जब करना होगा कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे भी ये स्टील की डिब्बियाँ, प्लास्टिक का सामान, ये छोटी छोटी कटोरियाँ मैंने एक बार ली थी, ये वाली पूजा वूजा में भी काम आ जाती हैं, पर यूज़ ही नहीं करी,
ऊपर भी कुछ सामान बड़ा है, अच्छा उसका ढक्कन वहां पड़ा हुआ है, मैं भी लेके आती हूँ। मतलब इस तरह से इन्होंने सामान रख दिया है, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी रखा है ठीक है। बाकी मैं अपने बस इस समय बज रहे हैं 7-8 और मुझे लग रही है भूख, तो मैंने क्या किया है चाय के, चाय तो पी ली थी मैंने, पर चाय से भूख नहीं मिटती। जो मेरी कल की खिचड़ी बनी थी ना, जो कल वाली खिचड़ी थी वो बची हुई थी, वो काफी हार्ड हो गई थी और काफी मतलब हार्ड थी। तो मैंने क्या करा, दोपहर को तो हमने खाई मूली के परांठे, पर अभी मैंने उस खिचड़ी को ठीक कर लिया है। और ठीक मैंने कैसे किया मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी पतली कर ली है मैंने और टेस्टी बना ली। इसमें मैंने प्याज टमाटर डाला है और पानी की जगह पे मैंने पालक जो उबाली थी ना उसका जो पानी बचा हुआ था वो डाल दिया, क्योंकि मैं पालक के पानी को फेंकती नहीं हूँ, या तो उसमें आटा गूंद लेती हूँ या फिर मैं उसको, मैंने सोचा चलो इसी में यूज़ करना, इसमें भी तो पानी डालना ही था ना पतली करने के लिए। बहुत ही हार्ड थी ये खिचड़ी, उसको पतला करने के लिए पानी ऐड करना था, तो मैंने पालक वाला पानी ऐड कर लिया ठीक है। और साथ में फिर मैंने इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च डाली है और बाकी नमक मिर्च टेस्ट करके देख लिया, नमक थोड़ा कम था, नमक लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च, और साथ में मैंने डाला है वो धनिया भी डाला है, और हाँ साथ में मैंने डाला है गर्म मसाला। ये सब डाल के मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया है और ये बड़ी स्वाद लग रही है अभी ये खिचड़ी। ये देखो वही एकदम हार्ड खिचड़ी थी ये, जो अब एकदम पतली बन गई है, बहुत टेस्टी लग रही है। तो अब मैं इसको खा रही हूँ, क्योंकि इसके पापा तो अभी तक आए नहीं है और मुझे लग रही थी भूख, तो मैं अपना खाना खा लेती हूँ और जब आएंगे तो एप्पल वगैरह काट दूंगी और खाना तो तैयार ही है मेरा। चलो मैं मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।